आप सही बोल रहे हैं। झूठ बोला जा रहा, कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई जा रही ताकि कम्युनिज्म वायलेंस देखने को मिले। दूसरा ये कि वीडियो में ये भी कहते हैं कि लव जिहाद जैसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बस मुसलमान और औरतों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा। लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है कॉन्सेप्ट। औरत कोई भेड़ बकरी है क्या? एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको थोड़ा ब्रेन वॉश के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें आपका भी यहाँ पे मजाक बन रहा, मतलब आप भी ब्रेन वॉश हो रहे हो। कैसे मैं समझाता हूँ। एक बार आप पहले मूवी देखिए। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? और बाद में ये ध्रुव राठी की वीडियो देखिए, कुछ ऐसा लगेगा आप। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पर सच क्या है? मैं इन्हीं की वीडियो से मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शो करूंगा। ऊपर ऊपर की फैक्ट्स को दिखाना, कोशिश करना कि मुद्दा जितना ज्यादा सिंपल दिखाया जाए। बट मेरा मानना यहाँ पर ये है दोस्तों कि इतने सेंसिटिव मामले पे किसी भी चीज को इतने आसान तरीके से दिखाना और ये कहने की कोशिश करना कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हो सकती है, ये सही नहीं होगा। ऐसा मैं आपको यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन्हीं के कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर से मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे दिखाऊंगा जिसे आपको भी लगेगा इन्हीं के वीडियो को देखकर कि कैसे कुछ फैक्ट्स को दिखाया गया और कुछ फैक्ट्स को छिपाया गया और एक साइड नैरेटिव को सेट किया गया। चलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच आउट करते हैं। चलिए अब इनका जो सबसे पहला आर्टिकल है उस पे यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि क्या इन्होंने बताया और उस आर्टिकल में और क्या क्या लिखा हुआ था। पहला यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल लिया है इंडिया टुडे का, जहाँ पे उन्होंने केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी के स्टेटमेंट को रिलेट करते हैं कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2,667 वुमेन को कन्वर्ट किया गया है इस्लाम में। और वो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट को एड करते हैं कि क्या उन्होंने यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन की बात की है। अब नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल सच है। उन्होंने यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन की बात बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि अगर एक नॉर्मल माइंडसेट से भी अगर हम समझे तो कोई भी यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ है। ये पुराने जमाने की बात होती थी कि जहाँ पे बंदूक के दम पे या फिर तलवार के दम पे ये कहा जाता था कि चल भाई कलमा पढ़, अगर तू कलमा नहीं पढ़ेगा तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये कन्वर्जन कैसा है? इस चीज को फेस टू फेस चैनल के रिजवान अहमद ने बड़े ही सिंपल तरीके से यहाँ पे कहा है कि ये कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं है बल्कि ये इंड्यूस कन्वर्जन। देयर इज नथिंग लाइक फोर्स कन्वर्जन, चाहे किसी का भी हो, इट इज इंड्यूस्ड कन्वर्जन। Induced. और इन दोनों वर्ड में गाइज बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मैं यहाँ पे आपको रिजवान अहमद की इस वीडियो को डेफिनेटली रेकमेंड करना चाहूंगा कि मैं कहूंगा कि आपको इस वीडियो को डेफिनेटली वॉच करना चाहिए 200%। अब चलिए इन आर्टिकल का पूरा डिटेल जान लेते हैं। इस आर्टिकल के कुछ हद तक नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि लव जिहाद इन केरला इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट सेट ग्लोबल काउंसिल ऑफ इंडियन क्रिश्चियन इन 2009। केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल हैड स्टेटेड दैट मोर देन 2600 यंग Christian girl were converted to Islam since 2006. Also, KCBC Vigilance Commission for Society Harmony had called Christian to be guarded against the phenomenon. अब क्या ये चीज आपको इस आर्टिकल में दिखाई गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसी चीज के बारे में रिजवान अहमद फेस टू फेस चैनल के ओनर इन्होंने बड़े अच्छे से अपने वीडियो में डिराइव किया है कि फोर्स कन्वर्जन और इंड्यूस कन्वर्जन का क्या मतलब है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी सेट आउट किए हैं, जैसे कि गुजरात की बॉम्बिंग अटैक। हाल ही में उस इन्वेस्टिगेशन में भी अगर बात करें तो कोई प्रूफ यहाँ पे नहीं मिला जिसकी वजह से सारे मुसलमानों को छोड़ा गया। इसका मतलब क्या? बॉम्बिंग हुई ही नहीं। ऑल्सो गोधरा कांड, इसमें भी किसी को एलिग्ट किया ही नहीं गया, तो क्या इसका मतलब गोधरा कांड हुआ ही नहीं। तीसरे में अगर बात करें तो 26/11 जो सब लोग जानते हैं, ताज होटल का अटैक जिसे न्यूज तक में कवर किया गया, जिसे कराया किसने आप सभी जानते हैं, बट प्रूफ ना मिलने की वजह से इस भी केस को बंद कर दिया गया। इसका मतलब क्या था? कि 26/11 अटैक हुआ ही नहीं। बेहतर यही होगा कि मैं चाहूंगा कि आप उनके इस वीडियो को डेफिनेटली वॉच करें जिससे आप पूरा प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ध्रुव राठी इस आर्टिकल को दिखाया कहते हैं कि देखो सिर्फ 40 लोगों ने ISIS में लड़ने के लिए रेडी किया गया है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि भाई बात तो सही कह रहा है, पर आप अगर इस आर्टिकल के ठीक नीचे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि ये सिर्फ 2 साल का रिकॉर्ड है। अब आपने ये तो नहीं पढ़ा होगा, इसका मतलब आपका भी ब्रेन वॉश हो गया। हाफ ट्रूथ का ज्यादातर लोग ऊपर ऊपर से हेडलाइंस पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जाते।
क्यों हिला डाला ना। चलो इसे भी रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला ये है कि देखो सिर्फ 60 लोगों को ही ISIS आतंकवादी बनी, तो इसलिए जो 30,000 का नंबर है वो फेक है। अब आप यहाँ पे ये नोटिस नहीं किए होंगे कि वो जो नंबर है वो मोस्ट वांटेड इंडियन का है, ना कि उन लोगों का जिन लोगों ने ISIS को ज्वाइन किया। मोस्ट वांटेड इंडियन और ब्रेन वॉश करके ISIS में भर्ती करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो भी सिर्फ यहाँ पे 3 साल का ही डेटा दिखाया गया है, 2016, 2017 और 2018 का। अब चलिए मान लेते हैं इसे भी रहने देते हैं और अगर अगला आर्टिकल पे आए, तो इस आर्टिकल को शेयर करके ध्रुव राठी ये कहते हैं कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पूछा गया कि क्या कोई लव जिहाद का केस मिला है, तो होम मिनिस्ट्री से ये रिस्पॉन्स आया कि नहीं, ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। अब ध्रुव राठी यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई देखो होम मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पे कहा है कि ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चलिए इस आर्टिकल का रेफरेंस लेते हैं और थोड़ा क्रॉस चेक करते हैं। और जैसे कि ध्रुव राठी ने कहा, ये मेंशन है दैट देयर इज नो केसेस इन केरला। जबकि आप इसी आर्टिकल के थोड़ा अगर नीचे जाओगे तो आप पढ़ोगे द टर्म लव जिहाद इज नॉट डिफाइंड इन अंडर द एक्सटेंडेड लॉ। अब क्योंकि ये लॉ है ही नहीं, ऐसा कोई कानून ही नहीं है, तो केस कैसा? इसका मतलब अगर केस नहीं है तो ISIS भी नहीं है, कोई कन्वर्जन ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, ये ध्रुव राठे का मानना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ले कि सोच के देखो कि अगर आपको कोई शार्क मछली खा जाए तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई रूल है कि उस शार्क मछली को जेल में ले जाकर डाल दें या फिर उस शार्क मछली को मार दिया जाए, ऐसा कोई कानून है आपकी? आप सोचिए और कमेंट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इस आर्टिकल में आप थोड़ा नीचे और जाएंगे तो आप पढ़ोगे हाउएवर इंटरफेथ मैरिज इन्वेस्टिगेटेड बाई NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। अब अगर NIA यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही इस इंटरफेथ मैरिज को तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा। आखिर NIA इंटरफेथ मैरिज को क्यों इन्वेस्टिगेट करेगी? अब NIA कोई राह चलता ध्रुव राठे तो नहीं है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से आर्टिकल उठाया और यूट्यूब पे पेल दिया। और ये आर्टिकल यहाँ पे ये भी कहती है कि ये सिर्फ 2 साल की इन्वेस्टिगेशन है, मतलब उस 2 साल के बारे में बताया जा रहा है कि सिर्फ उस 2 साल में क्या क्या हुआ, NIA उसे ही इन्वेस्टिगेट कर रही, रेस्ट जो बाकी के साल है वो तेल लेने गए। अब ध्रुव राठे यहाँ भी नहीं रुकते, वो छाती चौड़ा करके अगला आर्टिकल पेल देते हैं, वो भी USA के काउंटर टेररिज्म का, कि उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ, गौर कीजिएगा मैं सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूं और ये मेरी वर्ड नहीं है, ये ध्रुव राठे ने कहा कि सिर्फ 60-62 लोग ही है जो ISIS को ज्वाइन किए हैं जो कि इंडिया से आते हैं। अभी सिर्फ पे तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले इस काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट को समझ लेते हैं। अब ये जो USA की काउंटर टेररिज्म वेबसाइट है, ये हर साल अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है टेररिज्म के खिलाफ, और ये जो रिपोर्ट है ये 2020 की रिपोर्ट है। तो ध्रुव राठे के हिसाब से 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2012, 2011, 2014 ये सब तेल लेने गए। कोई भी एजेंसी ये नहीं बता सकती कि ISIS के लड़ने के लिए दुनिया से कितने लोग गए, मतलब ही नहीं है ना। अरे क्या फर्क पड़ता है, एक रिपोर्ट तो काफी है, 2020 में सिर्फ हुए हैं। बट मेरा मानना यहाँ पर एक चीज है जो रिजवान अहमद भी अपने YouTube चैनल में बता रहे हैं कि भैया सिर्फ क्या है ये, अरे एक ही केस बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर एक ही केस ऐसा कुछ हुआ है तो क्या हमें शांत बैठ जाना चाहिए? सोच के देखिए आप क्या क्या सोचना है। अब आप यहाँ पे ध्रुव राठे के नैरेटिव को समझ पाए कि कैसे ये वन साइड मैनिपुलेशन करते हैं, आधी बात बताते हैं आधी बात डकार मार जाते हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक कहानी सुनाई ब्रेन वॉश की कि पहले मूवी देखो और फिर उसके बाद इनकी वीडियो देखो, कसम से खुद ब्रेन वॉश हो जाओगे, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी और ISIS की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे वही ब्रेन वॉश करके चले जाएंगे। लास्टली एंड फाइनली ये जो मुद्दा है ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और सिर्फ एक कंट्री की मुद्दा नहीं है, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल की एक मुद्दा है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ। और ये भी नहीं सोचा कि भैया उस आर्टिकल के नीचे और क्या लिखा है, पढ़ लेते तो शायद ना बोलते। तो गाइज आप भी ब्रेन वॉश होना यहाँ पे बंद करो, वीडियो देखो, एंटरटेनिंग तो लगती है क्योंकि मूवी भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती है। केरला स्टोरी को डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रोवाइड किया जा सकता था, लेकिन एक एंटरटेनिंग रूप में इस मूवी को प्रेजेंट किया गया कि आपको भी पसंद आए और उन्होंने जो इमोशन एक्सप्रेस करने की कोशिश की है उससे आप भी भावुक हो सको। मूवी अगर थोड़ी भी खराब होती, चाहे स्टोरी कितनी भी अच्छी होती, हम कोई नहीं जाते मूवी देखने, और रियलिटी यही है। और आप में से कितने लोग यहाँ पर होंगे जो डॉक्यूमेंट्री मूवी वॉच करते होंगे? मैं रिपोर्ट यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन अपनी बात मानूं तो 10 में से एक ही इंसान ऐसा होगा जो डॉक्यूमेंट्री मूवी वॉच करता होगा। और ध्रुव राठे की जो वीडियो है वो भी काफी एंटरटेनिंग होती है, लिटरली में मजा आता है देखने में, कब 22 मिनट 25 मिनट निकल गए पता ही नहीं चलता। रेस्ट मैं अपनी यहाँ पे लगाम लगानी चाहूंगा और आपको यहाँ पे जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप फेस टू फेस चैनल के रिजवान अहमद का द केरला स्टोरी का ये वीडियो आप जरूर वॉच कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगा, साथ ही मैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपकी क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। इधर से लिया उधर से लिया, वहाँ का डेटा एडिटिंग, एक चीज यूं छल के आ रही है, एक चीज यूं उती हुई आ रही है, एक चीज यूं गाधे पर क्रोमा लगाया और भैया नॉलेज के पंडित हो गए। हाँ किताब पूरी जिंदगी में चाहे 10 ना पढ़ी।